सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम बबीता हिमांशु मुरारी है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की। गौशाला मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मम्मी जी गई हुई हैं, जो हमारे पंडित जी हैं उनका देहावसान हो गया था तो उनके मुँह के पास गई हैं। तो ये मैं गाय के लिए कन्ना लेके जा रही हूँ। और सुबह सुबह मौसम की अगर बात की जाए ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं कहीं हल्के फुल्के से बादल है और पहाड़ों में जो है सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। जैसे जैसे धूप आती है ना, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले दिनों में ना हवा चलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मौसम का आनंद ले लीजिए। ये है हमारी मालू, कैसा है तू? और ये नन्नान बॉडी कुची 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 कुची। तो इनको ना पानी दे देती हूँ। ये है पानी, रुक गिराना मत मालू। हमारी मालू को बहुत ज़्यादा प्यास लग रखी है, इसने 30 लीटर पानी पी लिया है। ये देखो दोनों गैलन ख़त्म हो गए। काफ़ी पहले से चिल्ला रहा था कि पानी दो पानी दो। चलो अपने भंगोड़े में से पास के ही भंगोड़े में से मैं मेथी के कुछ पत्ते उठा लेती हूँ क्योंकि हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। सुबह सुबह ऐसे लेट हो जा रहा है आजकल, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ये हमारा छोटा सा खेत है छाने के पास, तो इसमें ना काफ़ी मात्रा में हरी सब्जियां हो रही हैं। इनको उठा लेते हैं, राई के पत्ते ले जा रही हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों के लिए इतने राई से हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया तोड़ लेती हूँ और दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। चलिए जी, हो गई है मेरी सब्जी। तो सर्दियों की तैयारी कुछ इस तरीके से हो गई है। घास को लुट्टी बना के स्टोर कर लिया है और ये सर्दियों के काम आएगा। तो ये है आज का स्पेशल नाश्ता, जिसमें है सरसों का साग, घर का घी और घर के गेहूं की रोटियां, साथ में है खेत की मिर्च। तो सारा खाना ऑर्गेनिक है। चलो सबसे पहले ये खाना मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ जो कि बाहर बैठे हुए हैं। अरे मैं तो हाथ नहीं दो यार, ये क्या बना रही है? तो हमारा जो पीवीसी का सामान है ना, वो आ चुका है ये वाली गाड़ी में और वो सारे सामान सार के नीचे रख रहे हैं। ये मेरी सासुमा है और ये इनकी भी सासुमा है और तीन के दिन आज साथ में बैठे हैं, दगड़े बैठे हैं तीना तीन, और इन दोनों के बीच में ना घमासान होती है। तो ना थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, चिंगारी लगाती। अम्मा
मीठा ला रहे छिन मीठा तुम्हें मीठा लिया को मीठा कौन छे इनु थे इन ला रोश मीठा दिनी ना है नादी तुमु नादी कहे की कोले एक बार हम घर से बैर नगर से ना पाते एक तो सब भाई वाल घर वाल कोई ना भाई अम्मा अम्मा चापो ये चाप पकात रहा लोटी पी है एकली पी है एकली है एकली पी हायो एकली है पी तुम हो ना दियो क्या चा ना भांग हो ना दियो मैं तो बाहर बाहर सास भी कभी बहू थी अब मैं मिले इतना बैठ लूं तुम इतना बैठ ला मेरे बाहर इतना बैठ ली मैं कौन बात कर रही अरे क्या करूँ ना रात को जन में छोटू उतला कौन ना बात अब लाहू मैं ख्याल ना उसे ना दूसरा दु, बहुत पन्नर बया दबा निकल आ लूँ जब मेरी परेशानी बहुत तब लाहू सही बात अम्मा दूसरा अम्मा खर्चे कला कर लूँ ना अम्मा वो है नई धुत्ती ला रही हो ना कौशिया बनियान ले ला रही हो घोड़ा ला ला रही हो सॉल कौशिया इनू लिया इनू लुका खाली कुने आयो लुका देखा ये मना आज ठीक है आज ठीक है रो ओ ये कौन बहुत मने ठीक है रो आज चाय चाय पीना बात खेल खाने बुढ़िया माँ की फरमाइशों के बाद बुढ़िया माँ के लिए गर्मा गर्म चाय ला गई और जो ढील है गया ली ये सही है कमेंट अम्मा गुड़ वाली चाय आज सासू माँ मतलब मेरी सासू माँ अपनी सासू माँ के लिए गैस की दवाई लेके आई है तो आमा उसमें आमा के लिए क्यों लाई होगी वाली दवाई कोला कोलिया कोलिया मैं आज कब से आई हूँ बेटा पानी गिरा दिया तूने कंबल में है आज कब से आया गंदी बच्ची चुप रहे कौन जा उला दी नहीं सो आमा आमा आज कब से आया सो फलिया थे है बल्ली है क्या वहाँ फलिया थे कुलिया एक आमा चला जा सो तुम बोला गैस लागनो वो सब करा रहा हूँ आज चला जा सो ये मार रहा हूँ मेरे अरे ये जा दिए थे देखा ऐसो होते है दूसरो वो प्यून को होते है साबुनों कौन है तई प्यून ते है दूसरो दूसरो ना ते ना यही लीली यही लीली ना ना कला ना यही लीली है हम का थर्मस चांद ये मैं छई ना आमा 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 को देते खाली पानी पानी एक छे पानी को ओ ये क्या ये ठंडिया में है झाड़ है रो चालो थे पानी ना ना ये वो है बाजार है छोटा से ठंडो उस ठंडो कहाँ चले कहाँ जा रहे हो कहीं नहीं ये अन्नू भी पूछ रही है पापा कहाँ जा रहे हो बल हाँ मम्मा पापा पापा बोल पापा घूमने जा रहे हैं पापा घूमने ए पापा पापा घूमो घूमो पापा घूमो घूमो कहाँ जा रहे हो मम्मा कैसी है ना हर टाइम कैमरा लेके घूमती है ना हाँ को हर टाइम कैमरा हाँ बोल आज तो तुमने वाइजाक मैराथन वाली टी शर्ट पहन ली है पहनूंगा अच्छी लग रही है लगेगी इतने भाव भी मत ही खाया करो
तुम तो कहते घुमाने ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। अब तो तुम्हारी कम छुट्टियां बची हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ को तो देखो, हर चीज के उल्टे जवाब क्यों देते हो? उल्टी पैदा हुई थी ना। अब इसमें पैदा होने से ले क्या क्या रिश्ता है? ठीक है, कैमरा बंद कर दे। नहीं करूंगी। कर दे कैमरा। नहीं करूंगी। तुम्हें कैमरा के सामने आने में प्रॉब्लम है क्या? पका रही है सुबह शाम तीन बार। ये निककर में ही जा रहे हो क्या? हाँ। और चश्मा लगा के कौन जाता है? कहाँ? जहाँ भी जा रहे हो। इनको ठंडा नहीं हो रहा होगा? और ये जैकेट कब तक पहनोगे? ये वाली पहनूंगा, हमेशा पहनूंगा। ये मुंह के अंदर बाल जब तक फट ना जाए तब तक। जिसे फट गई। अच्छा बाबू, तुम्हारे चश्मे में पास मत जा, तू भी कैमरा लेके घूमेगी थोड़े दिन बाद। इसके संगत में रहेगी ना, कैमरा लेके घूमेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, होली होली में उन होली में होली तक बस रोली अगर अगर मल्ली हिट ली तो भोली में जरूर। अगले जन्म में की बन ली? आप की बात हो। सांप सांप क्या बनेगी? शेर शेरनी। ये कूपा जान है। बाघ कौसो बच बाघ। हम्म, श्याल बन ली। श्याल शूंक श्याल। श्याल यानी कि लोमड़ी। तो ये लोग तो मजाक करते रहते हैं। हम अभी एकदम मजाक वाले आंसर देती हैं उन जो भी बोलते हैं। ये दोनों बहुत मजाक करते हैं। ये आमा हो गई और ये हो गई। ये देखो ये क्या होए, क्या क्या धजुन है तू। हाँ, जितनी गाड़ी आ रही है चिल्ला रही है। ये ना तैयार हो रखे थे जाने के लिए, लेकिन इनका पोपट हो गया। पोपट। चाय पी लेते हैं। आज ना कमर में मतलब यहाँ गर्दन पे झसक गई हुई है ना, तो यहाँ को मुड़ा जा रहा है अच्छे से ना, यहाँ को तो ज़्यादा नहीं मुड़ा जा रहा, यार को तो फिर भी मुड़ा जा रहा है। बहुत दर्द हो रही है यहाँ पे। चलो छोड़ो, तो चलो चाय बना लेती हूँ। आमा की भी फरमाइश है चाय बनाने की, तो चलो चाय बनाते हैं। जिस टाइम से मैंने ये न्यूज़ सुनी है ना कि मुझे कल अपने मायके जाना है, तो उस टाइम से ना मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा पा रही हूँ। मायके जाने की जो खुशी है वो और कोई खुशी नहीं है। हाय मेरी चाय। तो बाद में अन्नू का बर्थडे आने वाला है ना, उसके बाद जाऊंगी मैं थोड़े दिनों के लिए मायके। अभी तो कल थोड़ी देर के लिए जाना है, क्योंकि मैं अभी तक मिली नहीं हूँ ना मम्मी से। तो मैं तो इनसे भी कह रही हूँ, पर कल हमारा काम चलने वाला है जो पीवीसी का, हमारे अंदर ना हमारे रूम में ना, तो शायद काम वाले अगर आएंगे तो ये इनका आना मुश्किल है। कल सुबह निकल जाऊँगी मैं टाइम से। चलो फिर चाय देती हूँ अम्मा लोग को।